जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बुधवार को जिला एवं महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में आए मरीजों से कुशलक्षेम जाना और मरीजों के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अस्पताल के दवा के भंडारण की स्थिति की भी जानकारी लिया और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, बेडों की संख्या, पीकू वार्ड सहित अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं और निर्माणाधीन कार्यों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने चिकित्सालय के अधिकारियों से बैठक करके ओपीडी और अल्ट्रासाउंड तथा महिलाओं के डिलीवरी की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों द्वारा मरीजों से किए जा रहे व्यवहार को देखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। जिलाधिकारी ने अस्पताल के निर्माणाधीन कार्यों को समय अवधि के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। जिला महिला चिकित्सालय में मरीजों की सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एन के पांडे, जिला महिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक नीना त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, संस्थाएं हैं बार बार लखनऊ मीटिंग के लिए चले जाते हैं बिना बताया, तो एक लेटर जारी करी कोई भी कार्यदायी संस्था का एक चयन नहीं, ये लोग जा रही रहे हैं ना। अभी देखिए यूपीपीसीएल का नहीं मिल रहा, पैटपट का नहीं मिल रहा, तो उस समय बंद हो गया। इसके बाद एक केस उस पर चला गया तो यहाँ डालने की मन नहीं कर रहा था, उसने इतनी चिट्ठी भेजा कि इसका वो कराया, कितना 34 लाख उस समय असेसमेंट इसका हुआ और हुआ कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। तो उसके बाद जिलाधिकारी महोदय तो ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट बना सकते फिर ये आ गया नहीं हुआ। अब इनसे स्पीच होना नहीं है, बुलाया था तो बुलाया तो कहा कि देखिए कि आप काम रोकने की बात नहीं है, इसके अच्छी ये सब खुला हुआ है। ये नमस्ते, ये इंचार्ज कौन है? तो अभी जैसे आरसी कितने का 300 मेडिसिन का हुआ है? आरसी सर अभी नहीं है, अभी ऑनलाइन स्टॉक रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, कितने हैं और आरसी कितना दिख रहा है उसमें? सर 204 है। 204 है, 204 में से हमारे पास मेडिसिन कितनी की है? नंबर है। ऐसा कौन सा आपूर्ति करता है जिसने अभी सप्लाई नहीं की, आपके पास कमी है? कॉर्पोरेशन में बताऊँगा, कॉर्पोरेशन होने से ही आपूर्ति करता है तो सप्लाई करता है भाई। हाँ आप बताइए, ड्रग वेयर हाउस है तो मेडिकल का ही फसल अगले 3 महीने का इंडेंट रेडी है, कोई कमी नहीं है किसी में? सेंटर जो है
मतलब ये कंटिन्यू होगा क्या? ये टोकन सिस्टम लागू करना है, मैं क्या करूँ, ए सी वी सी लगा कवर कर दें, ये कमरा बना दूँ और रूम वेट कर दें, इस तरह के अभी वो राज्य निर्माण निगम को बुला ये डिज़ाइन कर दीजिए आर्किटेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है आर्किटेक्ट को बना दीजिए, इसके लिए पैसा भी कराने की भी कराने, ठीक है, ये तो ले आउट हो जाएगा। ये खुलवा देना आप रेडियो में जो अभी जिला अस्पताल पुरुष और महिला में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमओ के साथ और पूरे टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है कि प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक घटक में, पटल पर क्या तैयारियां हैं। अभी जो अन्य जनपदों में, कुछ जनपदों में प्रकोप हुआ है, उसमें तैयारियां यहां पे क्या हुई हैं, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ क्या होनी हैं, ताकि मुस्तैदी से काम किया जा सके और जो यहाँ पे ओपीडी में, आईपीडी में मरीजें आ रही हैं उनको अवस्थापना और अच्छे व्यवहार के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे आज देखा गया है कि करीब 2000 की ओपीडी हो रही हैं, बेड ऑक्यूपेंसी 100% है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, सभी को अच्छे व्यवहार के साथ सेवाएँ दी जा रही हैं और निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। जो अवस्थापना में कमी मिली है
उसमें हमें सुधार करने के लिए वित्त पोषण अन्य चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। जो निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहे हैं उसको गति लाते हुए समय से पूर्ण करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं को भी निर्देशित किया गया। आज CMO साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ और सभी टीम के साथ यहाँ भ्रमण किया गया। जो अवस्थापनाओं में अगर कोई संतृप्तिकरण देखा गया है, जो मरीजों के साथ डॉक्टर्स का व्यवहार है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में देखा गया, जो अभी कोविड संभावित थर्ड वेव के कारण और अभी जो वेक्टर बोर्न डिसीजेस का प्रकोप कुछ जनपदों में देखने को मिला है, उसके लिए यहाँ तैयारी और व्यवस्थाएं देखने के लिए लिया है। यहाँ पे सभी अवस्थापनों में निर्माणाधीन काम चरणबद्ध रूप से चल रहे हैं और निर्धारित समय अवधि में उनको पूर्ण किया जाएगा। यहाँ दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, लोगों के लिए किचन और लॉन्ड्री व्यवस्था सभी सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा है, OPD और IPD में बेड ऑक्यूपेंसी अच्छा है, OPD की संख्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है और यहाँ पे व्यवस्था करके एक आदर्श जिला अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं। महीने तक कार्यदायी संस्थाओं ने कमिटमेंट दिया है, उसको हम अनुश्रवण करेंगे और उसको पूरा कराएंगे और उसके उपकरण के लिए शासन से लगातार पैरवी हो रही है और उसमें अभी स्वीकृति होगी, अतिशीघ्र उसको लोकार्पण किया जाए। और जो एक्सरे के लिए मैंने स्वयं जाके भ्रमण किए देखा है, पर्याप्त मात्रा में हो रहा है और मैंने मरीजों से भी बात किया है, अगर कोई कमी रह जाएगी उसको सुधार कर देंगे। हाँ, हमने उसको सबको देखा है और कार्यरत है सभी।